सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हाइड्रोनियर के एक और मजेदार एपिसोड को लेकर के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली आज वो टाइम आ चुका है जब हम अपने फार्म को यहाँ पर ऑटोमेशन पर लगा देने वाले हैं, जो कि काफ़ी सही सीन होने वाली है। और ऑटोमेशन पर मैं कैसे करने वाला हूँ वो हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग एक ऐसी बिल्ड बनाने वाले हैं जो कि चीज़ों को यार मतलब अपने जो क्रॉप वगैरह सब है ना इनको यार ऑटोमेटिकली ये हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्ट नहीं, इनके हमें सीड भी बदले में मिल जाने वाले हैं, और इनफैक्ट यार वो सूप वगैरह सब के लिए वेजिटेबल्स वगैरह सब भी, तो हर एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाने वाली भाई। बस मुझे सीड को यार बस जाकर के लगा देने, एक बार अपने सीड यहाँ पर लग जाए फिर जो चीज़ यार मिलेगी मुझे वो चीज़ यार अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाने वाली है, और बार बार मुझे यहाँ पर सीड भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले मैं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली देखो यार, जो बिल्ड मैं बनाने वाला हूँ ना वो यार मेरी खुद की नहीं है, मतलब मैंने उसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई मुझे कैसे कैसे क्या काम करना है। सारे सारे मैंने एक वीडियो में देख लिया, तो उसमें यार मुझे एक खास चीज़ें यहाँ पर पता चली भाई। ये जो आप लोग यहाँ पर एक स्टिक देख रहे हो ना, तो ये भाई एक ऐसी स्टिक है जो कि यार एक के डबल बना देता है। मतलब अगर हम लोग अपने स्टिक को जिस पे भी चला दिए भाई वो उसके डबल बना करके देगा। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं आप लोग को कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। लाइक अपने पास यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ को डबल बनाएंगे, मतलब खाम में कि यार उतनी सारी चीज़ को मैं डुप्लीकेट करके करूँगा क्या लाइक। हाँ यार, तो मैं आप लोग को चीज़ें डबल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अपने पास ये वाली एक रेलिंग्स है, इसे एक बार मैं क्लिक करूँगा अपने पास एक और रेलिंग्स यहाँ पर आ जाने वाली है, और मुझे इस रेलिंग को उठा करके यहाँ पर लगा देना है जहाँ आई थिंक यार मुझे काफ़ी टाइम पहले लगा देना चाहिए। वेट यार, कुछ इस तरीके से मुझे लगाने हैं जैसे कि यार ये यहाँ पर परफेक्टली बैठ जाए। आई थिंक ऐसे है, तो ठीक है ये यहाँ पर पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है। तो बेसिकली यही सीन करना है। और अच्छा कि भाई ये वाले स्टिक मुझे मिल गए। बेसिकली ये वाले स्टिक मैं कहाँ से लेकर के आप लोगों को मैं हर चीज़ बताया था। तो देखो यार, क्रिएटिव मोड में ये वाली स्टिक होती है, और एक बार मैं इसको यहाँ पर परचेज, वैसे परचेज भी नहीं करनी पड़ती क्रिएटिव मोड में, हर चीज़ यार ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। तो मैंने क्रिएटिव मोड से ये वाली स्टिक उठा ली है, और हम लोग जो आज जो बिल्ड बनाने वाले हैं उसमें हम लोग यही वाले स्टिक का यूज करेंगे, क्योंकि यार मुझे पता है मेरे पास काफ़ी सारे पैसे, अगर मैं चाहूँ तो यार दुनिया भर के बिल्ड उससे बना लूँ। बट यार सीन पता है क्या हो रहा है, मुझे यार बार बार अपने टाइम वेस्ट करने में यार उतना ज़्यादा कुछ खास मतलब मज़ा नहीं आता। पहले यार मज़ा आता था भाई, हर एक चीज़ लेकर के आओ, हर एक चीज़ परचेज करके लाओ, और परचेज के लिए यार पैसे बनाओ। तो देखो यार पैसे वैसे हर एक चीज़ है भाई अपने पास, बट यार शॉप से यार इतनी सारी चीज़ें यार लाने भाई गेम यार अलग लैग करेगी, ऊपर से यार टाइम भी अलग ही जाएगा भाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आज मैं इस स्टिक का यूज कर लूँ, क्योंकि जब मैंने देखा था ना तो उन्होंने भी यार यहीं ऐसा कुछ सीन किया था भाई, उन्होंने ये वाली स्टिक ले आए थे जिसकी मदद से उन्होंने अपनी चीज़ों को डबल किया और अपने काम पर लग गए भाई। अब मैं आप लोग को एक जगह दिखाता हूँ कि मुझे चीज़ें बेसिकली बनानी कहाँ पर है। वेट, सबसे पहले मुझे एक कार्ट चाहिए भाई, क्योंकि नीचे की साइड पर कुछ कुछ अपने कन्वेयर्स पड़े हुए, बेसिकली मुझे उन कन्वेयर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, और कन्वेयर्स के लिए मुझे नीचे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली सारे कन्वेयर्स अपने ऊपर के ही साइड पर पड़े हुए हैं, तो कन्वेयर्स की तो यहाँ पर टेंशन नहीं होगी। और मैं देख लेता हूँ अपने पास है क्या क्या। ये सारे पाइपलाइन है, तो आज हम लोग यहाँ पर लॉजिक की भी यूज करने वाले हैं। वैसे ये क्या है भाई, ये यार कुछ अलग चीज़ है यार, लॉजिक फ्लिप हुक है। फ्लिप हुक मुझे बेसिकली नहीं चाहिए, फ्लिप हुक को मैं यहीं रख देता हूँ। और बस मुझे हर एक चीज़ यार एक ही लेने हैं, क्योंकि यार उससे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता हूँ, लाइक मैं मल्टीपल कर सकता हूँ उसका, तो फिर यार अपने को दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिकली अभी मुझे इसे यार यहाँ पर मैं नहीं लगाता था। यार ये क्या मजाक है भाई, यार ऐसा मत करो यार, मैं यहाँ पर आई डोंट नो आई। हाँ यार अभी मुझे पता चला मैं क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। बेसिकली पाइपलाइन लगते यार इसके लिए, तो पाइपलाइन तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसे नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है यार, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्या हरकतें करने वाला हूँ। इधर से हम लोग एक पाइपलाइन लाने वाले हैं जो कि इधर से स्ट्रेट जाने वाली है। वैसे मैं इतनी एक्सप्लेन ना करते आप लोग को मैं सीधे बता देता हूँ। हाँ, मैं आप लोग को इतना जोड़ बताने वाला अपने किस किस चीज़ की नीड पड़ने वाली है। बेसिकली ये वाले पाइप यार मुझे भड़बड़ के चाहिए होंगे, और एक सिलेंडर मैं और भी देख लेता हूँ। और हाँ, ये यूसेफ वाले पाइप भी मुझे चाहिए, तो यूसेफ वाले पाइप तो है भाई अपने पास, तो इस पाइप की दिक्कत नहीं है। एंड मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए यार, मुझे क्या क्या चाहिए थे भाई वो तो मैं भूल भी गया, बट यार कोई नहीं यार मुझे याद आ जाने वाली है। और मुझे ये क्लोटियम के कोई भी एक पाइप नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पास है भाई, मतलब ये सब तो लगे हुए यार, मैं इनमें से डुप्लीकेट कर लूँगा, तो इनके तो यहाँ पर कमी होने वाले है नहीं। जो जो अपने को नए नए चीज़ एक काम कर दे भाई, मैं डायरेक्टली शॉप में ही चलता हूँ अपने पैसे को लेकर के, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं यार शॉप में ही चलूँगा। बट वेट यार, मैं शॉप यार अपने इस वाले गाड़ी से क्यों जा रहा हूँ, लाइक जब चीज़ें यार कुछ कम ही लाने हैं तो मैं गाड़ी का यूज क्यों ही करूँ। ये वाले कार्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये वाले कार्ट अपनी काफ़ी फास्ट है भाई,
तो इस कार्ड से हम लोग आराम से वहाँ तक जा सकते हैं। तो फटाफट चलते भाई पैसे अपने वहाँ रास्ते में। और वेट वेट वेट, यहाँ पर यार एक दिक्कत हो रही है यार, कोई पानी दो यार इसे यार, अपने क्रॉप यहाँ पर ख़राब हो रहे यार ऐसे में। तो पता नहीं यार ये सीन यार कैसे हो गया भाई, मैंने वहाँ पर ऊपर के साइड पर स्प्रिंकलर लगा रखे, एक सीन इसके अंदर पानी है भी या फिर नहीं है। चलो यार थोड़ी सी पानी है भाई यहाँ पर, तो आई थिंक यार इतने में इनका काम हो जाना चाहिए। यार मैंने ऊपर की साइड पर इतने अच्छे खासे स्प्रिंकलर लगाए और आई गेस यहाँ तक तो यार इनकी रेंज होनी चाहिए, बट यार स्टिल ये ड्रामे कर रहे हैं इस तरीके से, तो स्टिल यार ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आने लगती है। तो चलो यार कोई नहीं यार, मैं फटाफट से पैसे उठाता हूँ और जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो चलो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपने लॉजिक वाले शॉप पर आ चुके हैं, काफ़ी है ख़तरनाक शॉर्टकट तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो एक सेकंड, ये क्या है भाई, लॉजिक लैम्प है ना? हाँ यार ये एक लॉजिक लैम्प है, ये मुझे बेसिकली नहीं चाहिए यार, मुझे एक लॉजिक वाली लाइट तो चाहिए बट ये नहीं चाहिए। और हाँ ये मैग्नेट मुझे चाहिए होंगे, तो मैग्नेट को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से पैसे निकाल लूँ मैं, नहीं यार ये नहीं करने थे यार, यही दिक्कत हो जाती है भाई। पैसे मैं अपने यहाँ पर ले लेता हूँ, पैसे को मैं इनके अंदर रख देता हूँ क्योंकि यार इन्हीं के मदद से हम लोग परचेज करने वाले हैं। अब मुझे हर एक चीज़ यार ध्यान से लेनी पड़ेगी क्योंकि यार एक भी चीज़ यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। मुझे एक वन सेकेंड डिले चाहिए, वन सेकेंड डिले एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मतलब हर एक चीज़ यार मुझे बेसिकली अभी तो एक ही चाहिए बट यूज यहाँ पर काफ़ी होने वाला है। 10 सेकेंड डिले भी मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे, तो मैंने एक 10 सेकेंड डिले ले लिया। और फ्लिप फ्लॉप वाले ये रही भाई, ये वाली हुक मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, तो ठीक है ये फ्लिप फ्लॉप वाली हुक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और मैं आप लोग को बता देता हूँ ये तो बेसिकली चाहिए ही होंगे क्योंकि यार नहीं ये मुझे नहीं चाहिए यार, ये मुझे नहीं चाहिए। एंड इधर के साइड से मुझे ये चाहिए यार, लॉजिक रिपीटर मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे जो क्या रिपीट कर करके अपनी करंट हमेशा देते रहे, तो एक रिपीटर मैं ले लेता हूँ। और आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की नीड भी है, लाइक यार अभी किसी चीज़ की नीड नहीं है। लॉजिक वाले सारे आइटम मैंने यहाँ पर से ले लिया है बट मुझे स्टिल यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और चाहिए होंगे, लाइक मुझे काफ़ी सारे विंडोज़ भी यहाँ पर चाहिए होंगे और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लॉजिक वाले सारे आइटम मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ एंड अपने सारे देख रहे हैं मेरे पास दुनिया भर के पैसे है भाई। और अगर मैं आप लोग को बता दूँ ना तो मुझे यहाँ पर टोटल ये जो मैग्नेट है ना यार, मैग्नेट को आप लोग किससे इंटू कर लो, 45 इंटू 4 कर लो, मतलब उतने सारे मैग्नेट मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे। तो आप लोग सोच सकते हो भाई कितने सारे मैग्नेट चाहिए होंगे। और एक विंडो, हाँ ये वाली विंडो चाहिए मेरे को, एक सेकंड यहाँ पर हमने गाड़ी रोकता हूँ। ठीक यार मुझे एक ये वाली विंडो चाहिए होंगे, ये वाली मुझे यही सेम विंडो चाहिए। और इसकी प्राइस यहाँ पर $4 है, तो दिक्कत वाली बात, चार हाइड्रो को है ना। तो फटाफट इसको मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेस करके ये वाले विंडो में ले करके चलता हूँ। और आई थिंक यार और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए थे अपने पास, क्लोटियम वाले पावर शार्ड नहीं यार, आई थिंक पावर शार्ड नहीं है अपने पास। ठीक है यार पावर शार्ड अपने पास नहीं है ना, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी ये कार्ट ले लेता हूँ। हाँ तो अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्लोटियम वाले भी कुछ कुछ आइटम मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे, लाइक ये जो पावर हुक प्रेशर टैंक इसे कहते हैं। तो गाइस यार मुझे बेसिकली ये प्रेशर टैंक चाहिए, यहाँ पर पैसे ऑलरेडी है तो ये मैं ऐसे भी परचेज कर सकता हूँ। तो ये एक मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, और भी यहाँ पर कुछ अगर चाहिए हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेसिकली अभी आई थिंक यार मुझे फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि जितनी चीज यहाँ पर अपनी बिल्ड होने वाली है ना बस इन्हीं सारी चीजों में से होने वाली है, और कुछ कुछ चीजें अपनी वहां पर भी ऑलरेडी है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फटाफट से मैं चलता हूँ भाई अपने घर पे और वहीं पर मैं आप लोग को सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे कैसे अपनी क्या क्या चीजें यहाँ पर बिल्ड होने वाली है। और राइट गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और अब भी नर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक लेता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ तो अभी मुझे कुछ ऐसी चीज यहाँ पर बिल्ड करनी है ना, लाइक मैं आप लोग को सबसे पहले ये चीज, मतलब एक चीज बस मुझे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करनी है यार। तो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पर, हाँ एक जो मैग्नेट है ना वो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट करके, नहीं यार कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट करके रखने हैं, उसके नीचे आई थिंक यार कन्वेयर आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक यार आ जाएंगे यार, अच्छी तरीके से आ जाने वाले, तो दिक्कत वाली बात तो ऐसी है नहीं। तो अपने कन्वेयर को मैं यहीं रख देता हूँ। और हाँ अब मैं आप लोग को बताता हूँ इससे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। बेसिकली अब मुझे अपनी जादू की छड़ी चाहिए और मुझे इसके डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे यार। आजा भाई ये इतने छोटे नेड़ हाथ में आते भी नहीं है, तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट में यहाँ पर आई थिंक एक की ही जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, तो एक मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट बना लिया है। और अब फिलहाल मैं काम करता हूँ ये सारे सामान को उतार करके यहीं पर रख देते हैं, क्या करेंगे भाई इतने सारे सामान लेकर के यार। ये भी मैं यहीं पर रख देता हूँ, जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की नीड यहाँ पर पड़ेगी भाई वैसे वैसे चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेते रहेंगे। ये 10 सेकंड डिले भी मैं रख देता हूँ, 1 सेकंड डिले भी रख देते हैं, और ये फ्लिप फ्लॉप वाली चीज़ भी यहाँ पर मुझे चाहिए।
फ्लिप फ्लॉप को यार कहाँ यूज किया था मैंने, नहीं यार मुझे, हाँ ठीक है याद आ गया भाई मेरे को। तो पैसे को अभी मैं क्या करूँ यार, पैसे लाइक मैं कहाँ रखूँ यार, अपने शॉप पर रखाओ या फिर मैं यहीं कहीं रख दूँ। खैर एक काम करते हैं भाई, फ़िलहाल के लिए यहीं कहीं रख देते हैं। एक काम करते हैं यार, मैं यहीं कहीं अपने पैसों को रख देता हूँ। आई थिंक मैं मस्त इस जगह पर रखूँगा, मुझे यार याद रहना चाहिए। अगर मैं बाई चांस भूल गया तो यार आप लोग मुझे याद से बता देना। मैं साउथ होप के जस्ट ऐसे सामने रख रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने सारे सारे पैसे पड़े हुए हैं और ये कार्ट में ले चलता है यार, क्योंकि कार्ट की फ़िलहाल यहाँ पर नीड पड़ने वाली है। मुझे कुछ कुछ ये हुक वगैरह सब चाहिए, ये जो तार अपने थे ना इस दिन। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर सो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर रात भी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, सुबह हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं आप लोग को बता दूँ बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे। तो अभी के लिए मैं आप लोग को बता दूँ, ये तार तो यार मुझे भड़बड़ के चाहिए ही चाहिए, तो तार मुझे यहाँ पर से लेनी पड़ेगी। तो तार मैं यहाँ से एक हाथ ले लेता हूँ, बाकी सब हम लोग वहीं पर जा करके बना देंगे। एक सेकंड, बस एक ही तार मुझे यहाँ पर चाहिए। और अपनी वो जादुई डंडी कहाँ गई भाई, ये रही। तो जादुई डंडी से मुझे अभी कुछ कुछ चीज़ को डुप्लीकेट करनी पड़ेगी, लाइक अपनी एक यू सेफ वाले भी मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे, और वी सेफ वाले आई थिंक यार मेरे पास नहीं है। वी सेफ वाले आई मीन टू से डेट कि मेरे पास वो वाले नहीं यार, वी सेफ वाले नहीं, टी सेफ वाले। तो अपने पास टी सेफ वाले नहीं है, मुझे एक ये चाहिए। तो ठीक है यार ये मैं ले लेता हूँ। और अपने को यार टी सेफ वाले की आई थिंक यार कमी पड़ चुकी है, गंदी वाले। तो अभी ना गाइस फटाफट से मैं काम करता हूँ, अपने लिए एक टी सेफ वाले ले करके आता हूँ, क्योंकि यार जब तक टी सेफ वाले मैं नहीं लाऊंगा तब तक मैं ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। और अपने सारे तरह गाजर भी आई थिंक यार हो ही चुके हैं, इसे भी हार्वेस्ट करेंगे, बट सबसे पहले मैं यहाँ पर बिल्ड कर लूँ। सो गाजर फाइनली मैं यहाँ पर टी सेफ वाली पाइप लेकर के आ चुका हूँ, बस मुझे इसी चीज़ की कमी थी, बाकी हर चीज़ है भाई अपने पास में। और यार मैं इतनी जगह यहाँ पर ठोका नहीं, बट मैं एक पिकेक्स पर ठोक दिया, तो ठीक है यार कोई नहीं यार, फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और मुझे यार एक सेकंड, मुझे ये सबसे पहले अपने गाड़ी पे से उतार लेनी चाहिए, क्योंकि पता चले भाई मैं अपनी गाड़ी के यहाँ पर डुप्लीकेट बना दिया तो फिर तो यार समस्या है भाई। एक सेकंड, मुझे ये यहाँ चाहिए, और ये वाले जो मैग्नेट है ना इसे मुझे कुछ ऊपर के साइड पर ऐसे लगाने पड़ेगी। तो चलो गाइस, जैसे मुझे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत थी भाई वैसे मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अभी मुझे इन सब चीज़ों को एक काम करते भाई, इनको भी यहाँ पर मैं नहीं ले यार, नहीं यार अभी मुझे नहीं लगाने यार। अगर मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया मे भी हो सकता है अगर इन फ्यूचर मुझे उजाड़ना भी पड़े। अपने जादुई डंडी भाई कहाँ पर है, ठीक है यार ये रही भाई, अभी मैं इनको बस लेकर के चल रहा है यार, जादुई डंडी को भी साथ ही ले लेते हैं। तो चलो गाइस फाइनली हर एक चीज़ मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ, और अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अभी मुझे यहाँ पर क्या क्या करने पड़ेंगे। वेट, अपनी ये कहाँ गई भाई, टी सेफ वाले यार मैं यहाँ रख लेता हूँ, नहीं तो बार बार यार मैं ऐसे भूल से जाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। और जितने सारे फालतू की चीज़ है ना भाई उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर से साइड कर दे, क्योंकि यार ऐसे डिस्टर्ब करेंगे यार बिल्ड में, तो ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फटाफट से एक को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये गाड़ी को भी मैं आई थिंक यार गाड़ी साइड ही है, बट यार मैं थोड़ी सी और भी यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ इसे, ताकि यार बिल्ड के टाइम पर ये सब हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है गाड़ी अपनी यहाँ पर साइड में लग चुकी है। अभी यार पूरा पूरा मामला पानी सही है यार, तो मैं आप लोग को चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली अभी मुझे अपनी जादू की छड़ी लेने हैं, और इनके मुझे दो चार डुप्लीकेट तो यार बनाने ही हैं, और इतने नहीं इनके मुझे यहाँ पर चाहिए भाई, अच्छे खासे डुप्लीकेट चाहिए। ठीक है इतने डुप्लीकेट काफ़ी रहेंगे, इसके मैं कुछ डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ऑलराइट, अभी आई थिंक यार पूरा पूरा मामला पानी परफेक्ट है भाई, अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक सीढ़ी से संभाल कर रखने यार, ये जादू की छड़ी यार अपनी गुम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यार पूरी बिल्ड यहाँ पर फेल होने वाली है। तो मुझे बेसिकली इनको इनसे कनेक्ट करने आपस में, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं कर देता हूँ उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलो गाइस, जो मुझे यहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्ड है भाई, मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ से देखो करंट पास करने वाली है, एक बार ये मैग्नेट में जाने वाली है, फिर ये वाले मैग्नेट में जाने वाली है, तो इसी तरीके से काम यहाँ पर होने वाला है। और मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए बस एक गाजर चाहिए, गाजर अपने आई थिंक यार मुझे मिल जाने वाले हैं, अपने ट्रक के अंदर ही भरे हुए हैं, बट अगर मैं चाहूँ तो अपने खेत से भी उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि खेत में अपने यहाँ पर आ चुके होंगे। ठीक है खेत के अभी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते, मैं अपने ट्रक में से ही निकाल लेता हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस मुझे यहाँ पर थोड़े से गाजर चाहिए होंगे, मतलब गाजर क्या बस एक ही गाजर चाहिए। तो ठीक है गाजर अपने यहाँ पर मुझे मिल चुके, मैं गाजर यहाँ से उठा लेता हूँ भाई, आ जा हाथ में, और मैं इनको लेकर के चलता हूँ भाई वहाँ पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो होने वाली है ना वो यार इसी की मदद से यहाँ पर होने वाली है। बेसिकली जो लोग फार्मिंग यार अपने इन सब चीज़ों को यूज करे भाई, तो गाजर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर डाल देते हैं जस्ट इसके नीचे, यार इसके नीचे है या फिर नहीं है, आई थिंक नहीं है, यहाँ पर डालते हैं ये अभी आई थिंक, हाँ भाई वेट, ये तो यार अभी से काम करने लग गए यार, नहीं 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 अभी से काम नहीं करने हैं, थोड़ी सी मैं इसको यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ,
अरे मुझे एक ये चाहिए, मैंने रिपीटर के भी ऐसे डुप्लीकेट बना, ये यार ये कौन कौन से है भाई, ये 1 सेकंड डिले मुझे नहीं चाहिए यार, 10 सेकंड डिले चाहिए। तो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पर डालने भाई 10 सेकंड डिले, तो 10 सेकंड डिले मैं काम करूँ, यहीं पर डाल दो यार, ठीक है यहीं पर डाल देते, काफ़ी अच्छा अच्छे तरीके से रोटेट करके। एक 10 सेकंड डिले मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक और 10 सेकंड डिले मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे, एंड उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट, एक 10 सेकंड डिले यहाँ पर है, दूसरी वाली यहाँ पर है, और एक मुझे चाहिए फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि यार देखो इसके अंदर करंट तो जाने चाहिए, लेकिन यार वो ऑफ भी होना चाहिए, अगर यहाँ पर ऑफ नहीं होगी ना करंट, लाइक यार देख रहे हो एक बार ये एक करंट देगी, फिर एक बार क्यों ये ऑफ भी हो जाने वाली है, तो अगर ये बाय चांस ऑफ नहीं होती है तो फिर पता है सीन क्या होगा। तो मतलब यार ये जो मैग्नेट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, बेसिकली ये डी मैग्नेटाइज नहीं होंगे, मैं चाहता हूँ ये मैग्नेटाइज तो हो, बट यार डी मैग्नेटाइज भी हो ही जाए, तो ठीक है यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। ये 1 सेकंड डिले मैं आप लोग को बताता हूँ इसे मुझे कहाँ यूज करने, 1 सेकंड डिले बेसिकली मुझे इस जगह पर यूज करने, यार बार बार इसे रोटेट करके लगाना यार, एक अलग ही माथा पच्ची है। तो यहाँ पर मैंने एक 1 सेकंड डिले लगा दिया है, और इस जगह पर मुझे एक और 1 सेकंड डिले लगाने हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पर 2 सेकंड का डिले करना है, और इनमें यार 20 सेकंड के डिले होने चाहिए। अब ये मुझे यहाँ पर चाहिए, जो कि यार इंस्टेंटली हमें यहाँ पर एनर्जी देते रहते हैं भाई, रिपीटर है भाई बेसिकली ये, और मुझे इसे डीमैग्नेटाइज भी करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली अब रिपीटर अपना यहाँ पर चल चुका है, और इसके अंदर करंट जाने लग गया है, मैं आप लोग को इसे हटा करके भी दिखाया, तो एक बार ले लो भाई, एक सेकंड मैंने यहाँ पर 10 सेकंड मैंने डिले डाला, इसीलिए 10 सेकंड के बाद यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो यार मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे जैसे ये पहले से थे ना वैसे मैं यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। तो चलो गाइस इतना काम मैंने यहाँ पर कर लिया है, अब भी मुझे अपने गाजर को उठा करके जस्ट इनके नीचे रखने हैं यार, मुझे एक बार ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेगी कि क्या ये चीज़ें वर्क करती या फिर नहीं करती है। एक सेकंड बस, अभी 20 सेकंड के बाद जो भी होगा यार 20 सेकंड के बाद ही होने वाला है। तो बेसिकली एक बार गाजर यहाँ आने वाली है, फिर यहाँ से छूट करके यहाँ आने वाली है, देखते यार अगर ये पॉसिबल हो गए तो भाई अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सही सीन रहेगा, नहीं तो भाई पूरे पूरे प्लान यहाँ पर फ्लॉप। वैसे यार जितना तक मुझे लग रहा है ना कि यार ये चीज़ एक वर्क करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। वैसे 20 सेकंड हुए या फिर नहीं हुए यार, अभी यार वर्क तो करने चाहिए यार, इतनी टाइम हो चुकी है भाई, ये 10 सेकंड 20 सेकंड तो डिले हो चुके यार, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप भी मैंने लगा दिया है, बट स्टिल ये यार वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं मैंने इसे ज़्यादा ऊपर तो नहीं रख दिया है, अगर ज़्यादा ऊपर हो गए तो भाई तो भी दिक्कत आ सकती है यार। एक सेकंड, ये यार नहीं होनी चाहिए थे यहाँ पर। तो गाइस अभी यार सीन ये हुआ पड़ा है भाई, मैंने काफ़ी टाइम से इसे वेट कर लिया भाई, लेकिन जैसा था कि मुझे लग रहा है ना कि ये जो गाजर है ना ये इनकी रेंज से ही बाहर है, इसलिए ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, मुझे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यार मैं सो लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आकर के इसे ठीक करूँगा। तो चलो गाइस अभी मैं काम करता हूँ, इसके रेंज में थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए ये गाजर मैं ले लेता हूँ, और इनको एक काम करते हैं यहाँ पर लगाए थे आई थिंक यहाँ पर, नहीं ये थोड़ी सी गलत लग चुकी है, मुझे थोड़े से इधर के साइड पर लगाने चाहिए, आई थिंक इस वाले जगह पर ये परफेक्ट लगेंगे। तो फटाफट से इसको लेते हैं भाई, इसको यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ आराम से यार, एक सेकंड यार बीच में करने भाई, चलो आई थिंक यार अभी यार परफेक्ट है भाई, ले भाई ये तो घड़क के गिर गए भाई। तो चलो गाइस जैसे तैसे करके मैंने इसे यहाँ पर ड्रॉप तो किया, लेकिन यार अब यार ये चिपकने चाहिए भाई, अगर नहीं चिपकेंगे तो फिर तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यार जो हरकतें अभी हुई ना यार ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, कहीं यार ऐसा ना हो कि भाई करंट आ ही नहीं रही है, जब यार ऐसी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर पहुँच रही है। एक सेकंड यार एक बार मैं इसे दोबारा यहाँ से हटा लेता हूँ, हाँ करंट सर आ रही है बट यहाँ तक नहीं आ रही है, ये एक समस्या वाली बात है। तो गाइस इस बार मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, एक आयरन ही उठा करके ले आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी वेट कर लिया भाई, हर एक चीज़ खोल खाल करके देख लिया भाई, करंट तो यार करेक्टली पास यहाँ पर हो रही है, लेकिन यार ये मैग्नेट पता नहीं यार क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, देख रहे हो ये अभी भी यहाँ पर वर्क करने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं यहाँ रखता हूँ यार एटलीस्ट इसमें तो यार चिपको यार, नहीं इनको भाई यहाँ पर किसी में नहीं चिपकना है यार, ये एक दिक्कत वाली बात हो, अगर ऐसी हरकतें यार यहाँ पर होगी तो फिर यार मैं इसे बिल्ड कैसे करूँगा, क्योंकि यार इतना तक कि मुझे लग रहा है ये सब चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए था। वेल मैं एक काम करता हूँ, अपने गेम को यहाँ पर मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते भाई यहाँ पर क्या हिसाब किताब होता है। सो गाइस अगर मैं आप लोग को बता दूँ तो अपने गेम को मैंने यहाँ पर दोबारा से रिस्टार्ट करी है, और एक बार ना यार ये उड़ करके यार इसमें जाके चिपके थे, बट यार स्टिल उसके बाद भी यार यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, देन यहाँ पर ये चिपके ही नहीं, पता नहीं यार इसका यहाँ पर क्या चक्कर है भाई,
लाइक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी यार ये भाई चिपकने का नाम ले ही नहीं रहे। मैंने इनके यहाँ पर काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी बना लिए बट यार स्टिल यार इसे वर्क तो करनी चाहिए थी। अभी देख लो भाई ये भाई यहाँ चिपक रहे हैं और कुछ टाइम के बाद यहाँ से छूट भी जाएंगे। यार ये तो होना ही था, यहाँ पर यार कुछ टाइम के बाद से छूट जाते हैं बट यार यहाँ चिपके जब ही तो यार ये भाई यहाँ पर चिपकते ही नहीं है। मैं आप लोग को दोबारा इसे रख करके दिखाता हूँ, अगर ये यहाँ चिपक गए तो भाई अपने काफ़ी अब मज़े हो जाने वाले। लेकिन यार ये भाई यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो यार क्यों ऐसा प्रॉब्लम यार क्यों आ रही है भाई। ऐसे चिपक तो जानी चाहिए थी बट यार जब तक ये चीज़ें सॉर्ट नहीं होगी ना यार तब तक मैं यहाँ पर आगे बिल्ड कुछ भी नहीं कर सकता, फिर यार दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं हो रहा यार, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया हूँ। सो गाइज़ मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुका हूँ यार, अब इसे वेट मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। लाइक इसे जबकि चिपकने चाहिए थे भाई, ये भाई चिपकने का नाम लेते नहीं है भाई। अब भी मैं इसकी ऐसी तैसी करता हूँ, इसकी भैंस की आँख निकल तेरी भैंस की। यहाँ पर ये अच्छा लग जाते हैं क्या? मुझे इसे लगाने नहीं थे, मुझे काफ़ी गंदी तरीके से यार इसको थ्रो करने थे। ये समस्या यार पता नहीं काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है भाई मेरे लिए, पता नहीं उनके यार कैसे काम कर रहे हैं बट जब मैं बनाने जाता हूँ यार ये वर्क ही नहीं करते। फिर यार मुझे ये वाली ऑपरेशन यार कैंसिल करनी पड़ेगी भाई, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। वैसे देखूंगा यार इसमें क्या, यहाँ पर मैंने कुछ तो यार यहाँ पर मिस्टेक जनता कि मुझे लड़ा यार मैंने ज़रा से भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करी यार, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर परफेक्टली बनाया और मुझे नहीं पता भाई ये क्यों नहीं हो पा रहे भाई, इस तरीके से होने चाहिए थे। पता नहीं यार इसका भाई कुछ भी हिसाब किताब हो सकता है। तो एक काम करते यार तब तक के लिए मैं यहाँ पर पाइपलाइन बिछा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिलहाल के लिए बिल्ड कर लिया। सो गाइस अगर मैं आप लोग को बता दूँ तो यहाँ तक मैंने पाइपलाइन लगा दिया है और एक कन्वर्टर मैंने इधर के साइड पर लगाए थे, हालांकि मुझे यहाँ पर एक पावर शार्ट भी लगाने चाहिए थे। एक काम करते हुए पावर शार्ट को ना मैं यहाँ पर लगाया था, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर खोल लेता हूँ, खोल करके कुछ इधर के साइड पर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि अगर अपने पास पावर शार्ट होगी तो फिर हम लोग काफ़ी स्पीड में अपने कन्वर्टर को बूस्ट दे सकते हैं। फटाफट चलते हैं भाई, अपने लिए ये लेके आती है जो अपनी क्रिस्टल होती है ना, आज मैं यहाँ के सारे क्रिस्टल यूज कर लेने वाला हूँ। यहाँ पर भी देख लो भाई क्रिस्टल यहाँ पर भाई कब से पड़े हुए हैं और वेट अपनी क्रिस्टल आई थिंक यार इसके अंदर होने वाले भाई सारे क्रिस्टल दे दो, मैं ये बिल्कुल नहीं देखने वाला कि अपने पास टोटल है कितने क्रिस्टल, बट हाँ जितने सारे होंगे भाई मैं उसके चाहो तो डुप्लीकेट बना सकता हूँ तो बना लेंगे यार अगर इसी को ज़रूरत पड़ेगी तो। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यार अपने क्रिस्टल को ना मुझे डुप्लीकेट बनाने की कुछ खास ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, बस मैं यहाँ पर अपनी प्रेशर बस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, थोड़े से क्या अच्छे खासे यहाँ पर बढ़ ही जाने वाले हैं। और इसको लगाने भाई कुछ इस वाले जगह पर, वेट रोटेट करके लगाने ऐसे नहीं कुछ इस तरीके से, अभी आई थिंक यार ठीक है भाई। इसे सबसे पहले खोलते भाई, इसको इसके अंदर फट से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने जैसे ही ये लगाया ना तो आई थिंक यार ये यहाँ पर फास्ट हो चुके हैं, या फिर अगर नहीं हुए होंगे तो भाई इसने इसकी नॉर्मल ये स्पीड है भाई तो कुछ नहीं कर सकते भाई इनका। एंड आई होप कि आगे वाले यहाँ पर फास्ट हो जाने चाहिए। अभी मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे कन्वेयर चाहिए होंगे तो फटाफट से मैं यहाँ पर कन्वेयर को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। जितने सारे कन्वेयर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना ये सारे कन्वेयर को मुझे इस पाइपलाइन में ऐसे लगा देने भाई, और टोटल आई थिंक यार मुझे लग रहा है कि यार 45 की ज़रूरत पड़ेगी तो 45 हम लोग यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने देर में यहाँ पर मैं लगा पाता हूँ, अगर लग जाए तो काफ़ी सही चीज़ है। वैसे कन्वेयर अपनी यहाँ पर चलने लग गई है, एक सेकंड ये तो यार उल्टी डायरेक्शन में चल रही है भाई, उल्टी डायरेक्शन में मेरे को नहीं चाहिए यार, कुछ इस वाले डायरेक्शन में मेरे को चाहिए। बट वेट यार ये कुछ ज़्यादा ही स्लो नहीं है यार, ऐसे तो नहीं होने चाहिए थे भाई, अगर ऐसे चलेगी भाई इनकी तो फिर तो यार दिक्कत है भाई, थोड़ी सी तो यहाँ पर फास्ट होनी चाहिए यार। एक बार मैं यहाँ पर चीज़ें रख करके देखता हूँ, वेट रखने होते भाई लगाने नहीं होते, एक सेकंड तेरी भैंस की आँख। अभी इसको रखते हैं भाई, देखते हैं कितने स्पीड में ये यहाँ से जा पाते। वैसे यार ये भाई जाने लायक चीज़ें नहीं है, मेरे पास जो गाजर और टमाटर थे ना उनको आई थिंक यार मुझे यहाँ पर रखने चाहिए, वैसे वो गए कहाँ पर, इधर के साइड पर मैंने रखे थे। चलो यार ये पत्थर को रख करके देखते हैं भाई, अगर ये यहाँ पर अच्छी तरीके से भाई रखा आई मीन इसकी स्पीड हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे भाई, अगर अच्छी खासी स्पीड रहेगी तो काफ़ी सही थी उनका। हाँ यार इसकी स्पीड यार अच्छी है भाई, यही स्पीड तो यार मेरे को चाहिए। तो चलो यार बस दिखने में ये स्लो लग रही है, बाकी है कुछ ज़्यादा ही फास्ट। अभी मुझे फटाफट इन सारे कन्वेयर को यहाँ पर काउंट करके लगाने भाई, टोटल 45 लगाने, इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो गाइस ये लास्ट वाले भी कन्वेयर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, बट पता है यहाँ पर क्या थी ना भाई, ग्लोटियम वाले बिल्ड के यार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं यार, अगर मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर गेरता हूँ ना तो भाई ये काफ़ी अच्छे खासे स्पीड में यार अभी भी जा रहे हैं और आगे जाते जाते इसकी स्पीड में यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ठीक है भाई, मतलब इतना स्पीड यार सही है, जितना तक कि मुझे लग रहा है इतना स्पीड सही है। और एक बार मुझे यहाँ पर काउंट ये करने पड़ेंगे, वेट ये कहीं अटक तो नहीं गए, एक बार मुझे काउंट ये करने पड़ेंगे ना कि
ये भाई टोटल यहाँ पर 45 हुए या फिर नहीं हुए, क्योंकि आई थिंक यार 45 के ज़्यादा ये काम करते हैं नहीं। इवन मैं यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर टोटल हुए कितने हैं। यार 45 तो छोड़ो यार, यहाँ पर टोटल 20 ही हुए भाई, इसलिए मुझे और भी ये चाहिए होंगे तेरी भैंस की आँख। ये भाई टोटल 20 ही हुए भाई अभी तक। इसको मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट यहाँ करते, उसके बाद मैं ये यहाँ से कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट करते जाना है भाई। हाँ तो मैं एग्जैक्टली कुछ इस तरीके की बात कर रहा था, यहाँ से वहाँ तक पूरे में डुप्लीकेट कर देने मेरे को। तो आई थिंक यार इतने यहाँ पर इनफ रहने वाले हैं। अभी मुझे यहाँ पर पाइपलाइन चाहिए, पाइपलाइन को फटाफट से मैं डुप्लीकेट करता हूँ। सो गाइस फाइनली यहाँ पर टोटल 45 हो चुके हैं भाई, जिसकी मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम से तलाश थी। अब यार मैं इसके ऊपर चढ़ करके बार चलना चाहता हूँ। वैसे यार कुछ खास स्पीड तो यहाँ पर कम हुए थे नहीं, अब मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप करके देना चाहता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये अच्छे खासे स्पीड में जा रहे हैं, मतलब इतनी भी स्पीड है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आगे जाते जाते यार इसकी स्पीड यहाँ पर फास्ट हो ही जाएगी, तो फिर यार अपने को कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ठीक है, इतनी भी स्पीड है तो दिक्कत तो जबकि है नहीं, तो मुझे यार कोई इशू नहीं है। अब भी यहाँ पर मुझे अपनी जादुई डंडी लेने है। वैसे यार यहाँ पर शाम हो रही है भाई, मैं चाह रहा हूँ यार शाम को काम ना करूँ, मैं चलता हूँ भाई सोने के लिए फटाफट से, क्योंकि यार अभी सोना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और डिसेंट कहीं मैं अपने बेड को भी ऐसे ना बना दो, इसलिए मुझे इसको रख करके तब सोने पड़ेंगे। तो चलो गाइस प्यारी सी सुबह यहाँ पर हो चुकी है, और अभी मुझे यहाँ पर इनको बिल्ड करने के लिए यहाँ पर ये सब हरकतें करनी पड़ेगी। वेट में फटाफट से इनको मैं डुप्लीकेट करता, कहीं यार अपने कन्वेयर डुप्लीकेट हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। अब यार बस इसको मुझे यहाँ पर मैच ही तो करने हैं, मुझे यार अब काउंट करने के एक्स्ट्रा काउंट करने की कुछ खास जरूरत है नहीं। फिलहाल यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, बस इसको मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ, दिखता हूँ यहाँ पर क्या इतने में लग पाता या फिर नहीं लग पाता। अगर एक आध यहाँ पर बच जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली डुप्लीकेट तो कर ही सकता हूँ, तो कर देंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फटाफट इसको मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलो गाइस पाइपलाइन अपने यहाँ पर सेट हो चुके, अब बाड़ी है भाई बस अपने कन्वेयर के। तो फटाफट से जिस तरीके से मैंने इधर के साइड पर कन्वेयर लगाया भाई, इधर के साइड पर मुझे ठीक उसी तरीके से सारे सारे कन्वेयर लगाने पड़ेंगे। बस ये मैग्नेट वाली लॉजिक यार काम कर जा भाई, लॉजिक तो है भाई लेकिन यार काम भी तो करने चाहिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे भाई, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये पूरी पूरी बेकार होने वाली है। तो मैं बस भगवान से मना रहा हूँ कि किसी भी तरह करके ये काम कर जाए, तो फिर अपने लिए काफ़ी सही सीन हो जाएगा। तो फटाफट से इसको जो मैं यहाँ पर लगा रहा ना वो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। तो चलो गाइस इस वाले पॉइंट पर बस थोड़ी सी मुझे कन्वेयर लगाने पड़ेंगे, और जब जा करके ये पूरी पूरी वर्क करने लग जाएगी। लेकिन अब यार इससे ज़्यादा कन्वेयर मुझे लगाने की कुछ खास जरूरत है नहीं, बस यहाँ पर अपनी एक रेडी है, तो फटाफट से एक मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको भी यहीं के यहीं मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसकी स्पीड यहाँ पर अच्छी खासी है। अगर मैं इनको यहाँ पर इनके अंदर डाल दूँ तो क्या ये यहाँ से जाएगी या फिर नहीं जाएगी, इसी ने डाल के देखते हैं भाई। नहीं ये भाई नहीं जाने वाली है, जो अपने मटेरियल वगैरह सब होते हैं ना बेसिकली वहीं जाती है। काम करते भाई वहाँ से मैं पत्थर लेकर के आता हूँ, ये जो पत्थर मैंने यहाँ पर डाले थे भाई वर्षों पहले, ये रे भाई ये वाली पत्थर में आते ले यहाँ पर देख लो भाई गाजर जमा हो गए हैं। ठीक है यार कोई नहीं यार, एंड अभी मुझे कुछ यहाँ पर आने भाई, इसको यहाँ पर रखते हैं। चलो यार ठीक ठाक है स्पीड में जा रहे भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो मुझे नहीं लग रही है, और मैं भी इनके साथ ही साथ जा रहा हूँ भाई साहब। सही थी ना यार, तो इतना मैंने आज के लिए यहाँ पर बिल्ड किया भाई। आई थिंक यार अभी मैग्नेट लगाने के यार मतलब सबसे पहले यार मुझे देखो यार इसको एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करने पड़ेंगे भाई, ये वाले प्रोसेस वर्क करते या फिर नहीं करते। अगर करेंगे तो यार तब मैं यहाँ पर मैग्नेट वगैरह सब लगाऊंगा, और इनके बीच में मुझे यहाँ पर प्लांटेशन करनी है। जब जाकर के आप लोग देखना भाई, काफ़ी यार सही लगने वाले भाई ये वाले तरीके जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये भाई काफ़ी ओपी बनने वाले हैं, इतना तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। और साउथ होप का यार मैंने काफ़ी अच्छा खासा यूज नहीं किया, लेकिन साउथ होप यार ऐसी जगह है ना जहाँ पर यार एरिया कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, और मैंने इसका इतना अच्छी तरीके से यूज किया। सबसे पहले बात तो मैंने इतनी बड़ी यहाँ पर माइन बनाई है, अगर उस वक्त और भी ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहता तो एक कासल भी यहाँ पर अभी अब तक यार खड़ी हो चुकी होती। और साथ साथ मैंने एक और माइन बना ली भाई, ये सेकेंड लेयर मतलब ये तो फर्स्ट लेयर है, एक सेकेंड लेयर माइन मैंने यहाँ पर कोशिश किया था भाई, प्रोजेक्ट स्टार्ट थी बस यहाँ पर बनने रह गए थे, क्योंकि क्लोटियम वगैरह सब अपनी ख़त्म हो चुकी थी डेट्स वाई। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पर एक हफ्ते के लिए एफके रहा था ना, तो उससे यार देखो कुछ कारण थे यार, पहला कारण तो ये था कि मुझे दबा करके पैसे चाहिए थे, और दूसरा कारण ये था कि भाई मुझे दबा करके आयरन और क्लोटियम चाहिए थे। जब जा करके हम लोग वहाँ पर क्लोटियम वाले मशीनें लगा पाते
तो यही कुछ सीन हुआ था। बट यार वो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दी आगे चल करके, और अब जा करके मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे ये मैग्नेट भी लगाने पड़ेंगे, हर एक चीज़ मुझे अब यहाँ पर लगाते जाना है। और अच्छा कि भाई मैंने यहाँ पर इसे पहले बना लिया, क्योंकि अब मुझे आइडिया लगते रहेगा कि मुझे अब कितने कितने क्या क्या चीज़ें डुप्लीकेट करनी चाहिए। नहीं तो भाई कोई यार कुछ ज़्यादा ही हो जाते, कोई कुछ कम हो जाते, तो ऐसी दिक्कतें होती। वैसे कम होते तो मैं उसे ज़्यादा बना लेता, बट यार यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसीलिए कर दिया ताकि हम लोग इजेक्टली उतनी डुप्लीकेट कर पाए जितने हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो हिसाब किताब यार कुछ ऐसा ही है। तो आई थिंक आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नई और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अब तक तो फटाफट जाकर के आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे मज़ेदार गेम प्ले सीरीज लाते रहता हूँ, और अगर आपके मन में कोई गेम है जो कि यार मुझे खेलनी चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यार जाकर कमेंट कर दो। हालांकि मैंने आप लोग के कमेंट ऑलरेडी यहाँ पर पढ़े हुए हैं, बट एट स्टिल उस गेम पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर और भी गेम देखना चाहते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।